हाय फ्रेंड्स, नमस्ते गेम्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ मॉर्निंग हैबिट्स। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सुबह में आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है और कौन सी अवॉइड करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो ये वीडियो आप पूरा देखना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स, रात को सोते टाइम हमें ब्रा निकाल के सोना चाहिए। उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आप सांस अच्छी तरह से ले पाएंगे, आपको पसीना कम होगा। तो ये सारे रीज़न हैं, तो ये बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, मॉर्निंग में हमें स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है या ऑफिस जाना पड़ता है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप 5 मिनट आपके लिए निकाल लीजिए। आप बेड पे इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हाथों की एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत पैरों की एक्सरसाइज। ऐसा करने से आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, आपको फ्रेश फील होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए 5 मिनट आप निकाल लीजिए। आप 2 मिनट तक आपके बालों में इस तरह से मसाज कीजिए। स्कैल्प मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपको फ्रेश फील होगा, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और आपका हेयर ग्रोथ भी होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखें, सुबह में 2 मिनट हेड मसाज के लिए भी निकाल लीजिए। दोस्तों, हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारे स्किन को ड्राई बना देता है, हमें लेज़ी फील करवाता है। अगर आप गर्म पानी से हेयर वॉश करोगे तो आपकी हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाए। थोड़ा सा गर्म पानी और ज़्यादा ठंडा पानी मिक्स करके नहाए। और हाँ, पानी में आप टी ट्री ऑयल के 4-5 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमें फ्रेश फील होगा और हमारी स्किन भी ड्राई नहीं लगेगी, हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, नहाते टाइम हमें वीक में एक बार ज़रूर हमारी बॉडी पे स्क्रब अप्लाई करना चाहिए। स्क्रब अप्लाई करने से जितनी भी आपके बॉडी में डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन एक्सफोलिएट रहेगी, आपकी स्किन यूथफुल लगेगी, फ्रेश दिखेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सन टैन की प्रॉब्लम है तो बॉडी स्क्रब करने से सन टैन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और हाँ, हम फेस पे भी स्क्रब को अप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारी स्किन फ्रेश लगे, हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाए। तो हम 2 मिनट तक हमारे फेस पे स्क्रब को अप्लाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लुकवॉर्म वाटर की हेल्प से पूरी बॉडी को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद आपको सोप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सावर जेल अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही लुकवॉर्म वाटर की हेल्प से बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर स्किन को हेल्दी रखना है, ब्राइट रखना है, तो स्किन केयर रूटीन आपको डेली फॉलो करना ही चाहिए। तो स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले हम टोनर यूज़ करेंगे। टोनर यूज़ करने से आपकी स्किन ब्राइट लगेगी और ये आपके पोर्स को ओपन कर देगा। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई करने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन ब्राइट लगेगी और आपके जो पोर्स में अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र जा पाएगा, उसके कारण हमारी स्किन हेल्दी भी रहेगी। मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपकी स्किन को सनरेज से प्रोटेक्शन देगा। तो आपको डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है अगर आपकी स्किन को हेल्दी रखना है, ब्राइट रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको आईब्राउज और आईलैश को बढ़ाना है तो डेली आप एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आपको कैस्टर ऑयल लेना है और कैस्टर ऑयल को आपको स्पूली ब्रश की हेल्प से इस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप स्किन केयर रूटीन करते टाइम डेली सुबह और शाम को इसे अप्लाई करोगे तो आपकी आईलैश और आपकी आईब्रोज बहुत ही जल्दी बढ़ेगी, इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। तो स्किन केयर रूटीन फॉलो करते टाइम ये चीज़ भी आप ज़रूर फॉलो करें।
क्या आपकी लिप्स समर, विंटर, मॉनसून सारे सीजन में बहुत ज़्यादा ड्राई लगती हो, तो उसके लिए एक हैक है। आपको लेना है थोड़ा सा चीनी, उसे मैंने थोड़ी सी पीस ली है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हनी और इसे हम लिप्स पर इस तरह से रब करेंगे। दोस्तों बहुत ही ज़ोर लगा के रब नहीं करना है, हमें स्लोली स्लोली रब करना है। ऐसा करने से आपकी लिप्स मॉइस्चराइज रहेगी, लिप्स पे जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी। तो आप ये वाली प्रोसेस 2 दिन में एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा पिंक पिंक भी लगेगी। तो ये वाली चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा अलार्म लगाते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमें 7 बजे उठना है तो हम 6 बजे का, 6:30 बजे का, 7 बजे का, 5 बजे का ऐसे अलार्म लगा लेते हैं। तो ऐसे अलार्म लगाने से हम अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं, हमारी नींद भी कच्ची रह जाती है। तो जितने बजे आप उठने वाले हो वही एक अलार्म आप लगा लीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर देना, और अगर आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।